अलीमा पठान सिर्फ चाहिए। अलीमा खान साहब क्या कहेंगी ये मुरादत देख के, क्या कहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? आप भी पहुंच चुकी हैं। यहाँ लोगों का जुनून देख के वो बेकाबू है। जरा मैं कोशिश कर रही हूँ सारे जरा कम हो जाए, लेकिन कम नहीं हो रहा। अच्छा इंशाल्लाह इमरान खान के अलावा सारे कैदियों को रिहाई देंगे इंशाल्लाह। आप ऊपर आ जाएंगे, आप चुप कर जाएं, चुप कर जाएं। नियत सही है कि मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, अपनी नियत दिखाएगी। जो इमरान खान ने कहा है, जो मैंने जुमे को भी आके बताया था, पहला कदम इन्होंने उठाना है और उसमें यह है कि सारे कैदियों को रिहा करें। सारे नाहक कैदियों को जो जेलों के अंदर हैं इस वक्त पीटीआई के, इमरान खान शामिल है। अच्छा अलीमा खान, अच्छा अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि आवाम जो इस वक्त इमरान खान की आवाज सुनना चाहती है, कब तक इमरान खान का जो एक कॉल है या कनाव दिया गया नस्तरी, कब तक सुनने जा रही है, क्या खुशखबरी देना चाहिए आवाम को? देखिए जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह इमरान खान जी निकलेंगे। अच्छा वक्त आ गया, हम डी चौक पे जाएंगे इंशाल्लाह, रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लीमा खान साहब, अभी आपसे कुछ देर पहले अजमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बिश्रा बीबी के हवाले से बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है कि वो सियासत में आ गई है, अब वो घरेलू खातिन रही है, अब मजहब कार्ड ना खेले वो। मेरी बात सुनिए, आप इन औरतों के ये जो है नून लीग, इनके ऊपर वक्त ना जाया करें। ये बेचारों के पास इनकी ना औकात है, ना इनके पास कोई कुछ भी है। ये बेचारे चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। इन बेचारों ये जो मर्जी बोले, इनका जो मर्जी देख कर बोले, इसको आप ठीक है। आपने देखा इमरान खान की बहन है अलीमा खान साहब, वो डॉक्टर उस्मा इस वक्त मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं मनाज़िर आ रहे हैं, वीडियो ऑन है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अलीमा पठान सिर्फ चाहिए। अलीमा खान साहब क्या कहेंगी ये मुरादत देख के, क्या कहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? आप भी पहुंच चुकी हैं। चुप करो एक मिनट, यहाँ लोगों का जुनून देख के वो बेकाबू है। जरा मैं कोशिश कर रही हूँ सारे जरा कम हो जाए, लेकिन कम नहीं हो रहा। अच्छा इंशाल्लाह इमरान खान के अलावा सारे कैदियों को रिहाई देंगे इंशाल्लाह। आप ऊपर आ जाएंगे, आप चुप कर जाएं, चुप कर जाएं। नियत सही है कि मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है, अपनी नियत दिखाएगी। जो इमरान खान ने कहा है, जो मैंने जुमे को भी आके बताया था, पहला कदम इन्होंने उठाना है और उसमें यह है कि सारे कैदियों को रिहा करें। सारे नाहक कैदियों को जो जेलों के अंदर हैं इस वक्त पीटीआई के, इमरान खान शामिल है। अच्छा अलीमा खान, अच्छा अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि आवाम जो इस वक्त इमरान खान की आवाज़ सुनना चाहती है, कब तक इमरान खान का जो एक कॉल है या कनाव दिया गया नस्तरी, कब तक सुनने जा रही है, क्या खुशखबरी देना चाहिए आवाम को? देखिए जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह इमरान खान जी निकलेंगे। अच्छा वक्त आ गया, हम डी चौक पे जाएंगे इंशाल्लाह, रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लीमा खान साहब, अभी आपसे कुछ देर पहले अजमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बिश्रा बीबी के हवाले से बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है कि वो सियासत में आ गई है, अब वो घरेलू खातिन रही है, अब मजहब कार्ड ना खेले वो। मेरी बात सुनिए, आप इन औरतों के ये जो है नून लीग, इनके ऊपर वक्त ना जाया करें। ये बेचारों के पास इनकी ना औकात है, ना इनके पास कोई कुछ भी है। ये बेचारे चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। इन बेचारों ये जो मर्जी बोले, इनका जो मर्जी देख कर बोले, इसको आप ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने देखा इमरान खान की बहन है अलीमा खान साहब, डॉक्टर उस्मा इस वक्त मौजूद है और आप ये देख सकते हैं मनाज़िर आ रहे हैं, वीडियो ऑन है, बहुत बड़ी तादाद वीडियो ऑन है मौजूद है। लेडीज़ है ना, एक मिनट बंद कर।